तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, ऊपर पूरी डिटेल लिखी है क्वेश्चन की। तो इसका पार्ट वन है, वो पार्ट टू है। इसमें बच्चों एरिया दिया होगा, वो भी हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया होगा और पूछ रहा है इसकी लेंथ बताइए और ब्रेथ बताइए। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये है, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है तो यहां से शुरू करते बच्चों, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 पार्ट वन है। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि इसका एरिया बताओ। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका बच्चों, पहले लास्ट वाले नंबर की सबसे शुरू वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बच्चों जब 12 की 35 ए 25 ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 जीरो 3 6 आया हासिल, 12 दूनी 24 और 6 300 और ए स्क्वायर। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करने पर 300 ए स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बीच वाली जो संख्या उसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करेंगे बच्चों। तो 35 ए के हमें जैसे दो बार करने के मल्टीप्लाई करें तो 300 ए स्क्वायर आए प्लस का, और उन्हें प्लस करें या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 35 ए आना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें 25 ए स्क्वायर ऐसे लिख करेंगे, माइनस 20 ए और माइनस 15 ए। तो देखो बच्चों 35 ए को दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, 20 और 50, ये भी माइनस का, दोनों माइनस माइनस क्या होते, जुड़ जाते, निशान किसका था बच्चों, माइनस का ही आता है। 20 ए माइनस का, 15 ए माइनस का, तो कितने हो गए माइनस के बच्चों, 35 ए 35 ए हो गए, और ये प्लस का 12 है तो 12 को ऐसे एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ठीक है अब बच्चों इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इनकी गुना करेंगे तो वही आएगा बच्चों 300 ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, 25 ए और 20 ए में 5 ए कॉमन है। तो यहां से बच्चों 5 ए लेंगे, हमें मल्टीप्लाई में लेना, बच्चे आगे घटा देते हैं माइनस कर देते हैं, 25 में से 5 गए तो 20, ऐसे नहीं, हमें ये देखना कि 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला 25 ही आ जाए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 पंजे 25, ए के में करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ 20 ए में भी हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई में बाहर लेना है, तो 5 की किस में मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, तो 5 चौ 20 है ना, और ए बाहर आ गए बच्चों। ठीक है अब इन दोनों में भी हमें ऐसे ही कॉमन लेना है सेम, जो ऐसा ही बचे यहाँ पे, तो माइनस का ले लेंगे बच्चों 3। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना किस से 3 में मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, तो 5 से करेंगे बच्चों ए, ऐसी 3 पंजे 15 ए। अब बच्चों प्लस का है तो माइनस बाहर लिया है प्लस में से, तो माइनस ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 3 4 12, तो माइनस माइनस प्लस। कॉमन वो संख्या होती है बच्चों, अगर उनकी दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करते तो सेम वही आता है जो पहले वाला, यहाँ पे भी 5a-4 है, यहाँ पे भी 5a-4 है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, 5a-4 कॉमन ले लिया बच्चों यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, 5a-3, तो इसका फैक्टर कर दिया बच्चों, ये लेंथ आ गई हमारी और ये क्या आ गई ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसका पार्ट टू करते देखते बच्चों, 35 ए स्क्वायर 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई है और माइनस का 12। बच्चों माइनस 12 की पहले 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आता है, फिर हमें 13 वाई के ऐसे दो पार्ट करने के, उन्हें प्लस करें या माइनस करें तो 13 वाई ही आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो वही 12 पंजे 60 की 0 6 12 की 36 और 6 कितने हो गए बच्चों 42। तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 420 वाई स्क्वायर आना चाहिए गुना करने पे, तो 13 के ऐसे दो पार्ट करो बच्चों, गुना करने पे 420 वाई स्क्वायर है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, 13 वाई में हमें सोचना है कि ऐसे दो पार्ट क्या होंगे। तो बच्चों इसका देखो, अगर हम एक जगह लिखते 28 वाई और एक जगह लिखते माइनस, 28 में से कितने घटाए बच्चों 13 है, 8 में 15, 28 की और 15 की गुना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस की गुना माइनस, 28 की 15 गुना करेंगे 420 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करके देखो बच्चों 13 ही बचता, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 13 वाई, प्लस के बचा माइनस 12 कॉमन, 12 ये बचाए यहाँ, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 7 वाई। तो बच्चों 7 में किससे गुना करें, 35 आ जाए 5 से, वाई ऐसी यहाँ पे किससे गुना करें बच्चों, 7 से किसकी गुना करें, 28 आ जाए 7 6 28, वाई बाहर आ गया कॉमन में। इन दोनों बच्चों क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, और क्या कॉमन है बच्चों 3, 3 बाहर निकाल लिया बच्चों, यहाँ क्या बच्चों 3 पंजे 15, यहाँ से 3 बाहर निकला है बच्चों 4, 5y+5 5y+4 दोनों में कॉमन है, 5y+4 5y+4,
तो 5y+4 को यहां पे लिख लेंगे ऐसे, तो बच्चे यहां क्या बचेगा 7y और यहां क्या बचेगा -3। तो बच्चों ये लेंथ आ गई है और ये क्या आ गई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 15 था वो 16 गया। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।